अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटू से। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं कैनन M50 मिररलेस UHD कैमरा। कैनन M50 मिररलेस UHD कैमरा 90,900 रुपये आज की डेट में इसका प्राइस है। ये एक मिररलेस प्लास्टिक बॉडी कैमरा है। पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको दूंगा ताकि बाइंग करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखते हैं, ये इस पैकिंग में आता है कैनन का, इसके साथ ये वारंटी कार्ड नजर आ रहा होगा, ये ऑफिशियल वारंटी कार्ड है कैनन कंपनी। अच्छा, कैनन कंपनी की वारंटी के बारे में बताता चलूं कि MBM के नाम से जो वारंटी आती है वो पाकिस्तान के अंदर इसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये कैमरा इस वक्त MBM की ऑफिशियल वारंटी में है। अच्छा, दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन पे यहां पर नीचे दिया गया है कैनन M50 विद 15-45 mm लेंस STM टेक्नोलॉजी के साथ है, जो इसके साथ बिल्टन है। दूसरी चीज़, कैमरे में जो चीज़ें आती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें कैमरे के जो बॉक्स के ऊपर, तमाम कैमरों के बॉक्स पे लिखा हुआ होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यार इसमें पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता, कि कहीं कोई कुछ निकाल तो नहीं ले, तो ऐसा नहीं होता। कैमरे के बॉक्स पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, उसके इंक्लूड इन दी कॉन्टेंट लिखे होते। चले हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ कि कैनन का M50 मिररलेस कैमरा, जो कि व्लॉगर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है ये कैमरा, क्योंकि ये लाइट वेट कैमरा है। तो पहले तो इसकी मैं ये पन्नी वगैरह सब हटा दूँ। ये इसका ऑफिशियल वारंटी कार्ड है, ठीक है। इस वारंटी कार्ड को आप फिल करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। एक साल में कोई भी वैसे भी कैमरा ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी दिल की तसल्ली है, ये एक साल की वारंटी का कार्ड है। दूसरा, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये है जी इसका बॉक्स। सबसे पहले इसमें हमें क्या नज़र आता है? अच्छा जी, सबसे पहले तो जी इसके अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है इसकी स्ट्रैप, जो नेक स्ट्रैप होती है, जब भी फ़ोटो या वीडियो करें इसको लगा लें ज़रूर। दूसरे नंबर पे ये इसकी पावर कॉर्ड है साथ में, ठीक है, ये पावर कॉर्ड। तीसरे नंबर पे ये इसका चार्जर है ओरिजिनल, ठीक है, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा, बस ठीक है, ये ओरिजिनल चार्जर है LCE12 इसका जेन्युइन चार्जर। और उसके साथ ही इसकी बैटरी भी इसके बॉक्स में शामिल है, ये जी LPE12 इसकी बैटरी पैक है, ओके। और इन दिन फाइनल मैं करता हूँ, ये इसका लेंस है 15-45 mm का ये लेंस है, और इसको हम देखते हैं जी अनबॉक्स करके। बहुत प्यारा सा लेंस है, छोटा सा लेंस है, अच्छा है, नॉट बैड। ये आ गया जी कैनन का 15-45 mm STM टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका अपर्चर जो है वो नॉर्मल वही 3.52 और 5.6 इसका अपर्चर है। देखने में ये बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी नहीं है कि बहुत ही कोई प्लास्टिक का कोई हल्का पुल्का सा लेंस हो, अच्छा है। और IS लेंस है, इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। STM जो फंक्शन जिस लेंसेज पे कैनन के लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब आपका कैमरा वीडियो पे ऑटो फोकसिंग करता है तो उसके फोकस शिफ्टिंग के दरमियान में जो एक आवाज़, एक नॉइस पैदा होती है, वो STM टेक्नोलॉजी उसको ख़त्म कर देती है। तो ये कैनन के लेटेस्ट सीरीज लेंसेज में STM आता है। तो ये आ गया जी लेंस इसका। अब चलते हैं जी हम दी एंड फाइनली हम कैनन M50 को देखते हैं जी। और ये है जी कैनन का M50 मिररलेस UHD 4K कैमरा जी। तो ये है कैनन M50। अच्छा, अगर इसको मैं इसकी हार्डवेयर के बारे में अगर आपसे बात करूं तो एक अच्छा फील है, नॉट बैड, कि ये कोई बहुत ही कोई हल्का कैमरा नहीं है, गुड कैमरा है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है। और ये इसका बैक साइड पे इसका फ्लिप स्क्रीन भी है, ठीक है, इसकी ये फ्लिप स्क्रीन है। और ये मज़े की बात यह है कि ये टच स्क्रीन है कम्प्लीट, और वेरी एंगल है, ठीक है। ये व्लॉगर्स के लिए और वीडियोग्राफर, वीडियो कॉन्टेंट बनाने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टच स्क्रीन है, 3 इंच इसका साइज़ है, ये तो हो गया एक इसका प्लस पॉइंट। दूसरा मैं बताता चलूँ, क्योंकि व्लॉगर्स या दूसरे कंटेंट जो बना रहे हैं इस वक्त, उनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वो माइक्रोफोन। तो इस कैमरे में बताता चलूँ कि आप अलग से बोया का माइक्रोफोन भी आप लगा सकते हैं, रोड कंपनी का माइक्रोफोन भी आप लगा सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट के अंदर हमने माइक्रोफोन्स की लिस्ट बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि इसमें वो सारे ही सपोर्टिंग है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो आपको व्यू फाइंडर है, क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है तो इसके अंदर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली इसके इमेज को प्रोसेस करके दिखाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ, जो इसमें लेंसेज लगते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है कि कैनन की M सीरीज़
कैनन की जो एम सीरीज मिररलेस बनाई गई है उसके अंदर एम माउंट किया गया है। जितने भी पुराने कैनन के जो कैमरास आते थे जैसे 600, 700, 750 जो पुरानी सीरीज थी, जो बॉक्स कैमरा, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, वो होते थे EF माउंट, ठीक है। तो अब इन्होंने मिररलेस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने एम माउंट कर दिया है। तो ये एक छोटा सा इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि इसके लेंसेज थोड़े से मुश्किल में मिलते हैं, मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो दूसरा, कैनन ने इसका हल ये निकाला है कि कैनन का EF to EFM इसका एक अडॉप्टर लॉन्च किया है, 14-15 हज़ार रुपये का मिल जाता है, जिसको लगाने के बाद, उस अडॉप्टर को लगाने के बाद अब तमाम कैनन के जो EF लेंस है वो इस कैमरे पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो ये एक 24 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD के ऊपर 60 फ्रेम है, और UHD 4K रेजोल्यूशन अगर आप रखते हैं तो 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे ये जाता है, और अगर HD क्वालिटी 720p रखते हैं तो 120 फ्रेम पर सेकंड्स तक ये आपकी वीडियो को ले जाता है। और इसके अंदर बताता चलूँ कि M50 के अंदर एक तो बिल्टन फ्लैश है, इसकी अपनी फ्लैश, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी एक्सटर्नल फ्लैश भी इसके अंदर लगा सकते हैं फॉर फोटोग्राफी। तो फोटो और वीडियो के लिए एक ज़बरदस्त कैमरा है। और एक चीज़ और बताता चलूं कि अगर आप लगाना चाहते हैं इसमें एक्सटर्नल मॉनिटर फॉर DOP, तो इसमें हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया पोर्ट इंटरफेस शामिल है। इससे आप अपने किसी भी मॉनिटर को, जैसे लिलीपुट के मॉनिटर्स हैं या दूसरे फील्ड वर्ल्ड के मॉनिटर्स हैं, उससे आप इसको अपना बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू ले सकते हैं। दूसरा चीज़, इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो भी कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, सिंपल जो आपका SD कार्ड होता है। अगर आपने 4K पे शूट करना है तो आपने फिर इसके साथ लेना है सेंड इसका 95 MB/s या 170 MBPS। और बाकी मैनुअल फंक्शन, हाँ इसमें इसकी वीडियो के अंदर ऑटो फोकसिंग फंक्शन भी है, जिसमें आप और दूसरा इसके अंदर एक फंक्शन और ज़बरदस्त है, डुअल ऑटो फोकस पिक्सल, जो कि 4K पे काम नहीं करता। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि 4K पे डुअल ऑटो फोकस पिक्सल M50 में काम नहीं करता। मतलब एक अच्छा कैमरा है, 90,900 रुपये के अंदर अगर आप ये कैमरा लेते हैं तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप वीडियो कंटेंट इसमें बना सकते हैं। तो आज की हमारी M50 की जो है ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन जितनी चीज़ें भी एक्सप्लोर करी हैं वो तमाम चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी, समझ में आएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ जाननी हो, कुछ पूछना हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और कमेंट्स में आप जो भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी मॉडल का कंपैरिजन करना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़।